अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ लाइनिंग फैब्रिक और कुर्ती का फैब्रिक दोनों एक ही दफ़ा में कट करने का तरीका। तो ये मैंने लिया है लाइनिंग का फोर फोर फैब्रिक और ये कुर्ती का बैक फैब्रिक और ये कुर्ती का फ्रंट का फैब्रिक। तो इस तरह से हम सबसे पहले फ्रंट वाले फैब्रिक पर बैक वाला फैब्रिक लगाएंगे, फिर उस पर लाइनिंग फैब्रिक अच्छी तरह से फोर फोल्ड से डाल देंगे। कुर्ती फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक दोनों बराबर बराबर में एक ही दफ़ा पर डालकर कट करने से दोनों की कटिंग एक दफ़ा में हो भी जाए और काम भी आसानी में निमट जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से अब हम आगे सबसे पहले बॉटम का नाप लेंगे। तो बॉटम का नाप लेने के लिए 1/4 सीट प्लस 3 इंचेस स्टैंडर्ड मेजरमेंट रहेगा। चूंकि हमारा सीट मेजरमेंट यहाँ पर 38 है तो इसका 1/4 हुआ 9.5। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर 9.5 प्लस 3 इंचेस 12.5 इंचेस पर बॉटम का मार्क लगाया है। अब हम लेंगे कुर्ती की लंबाई। लेंथ हमारी है 38 इंच प्लस हम स्टिचेस के लिए एक्स्ट्रा 2 इंचेस रख देंगे। तो इस तरह से 40 इंचेस हमने मार्क लगाई है। हम अगर इससे ज़्यादा भी चाहें तो रख सकते हैं, चूँकि फैब्रिक यहाँ पर इतना ही है तो मैंने इतना ही मार्क कर दिया है। तो अब मार्क करेंगे शोल्डर मेजरमेंट के लिए, जो कि शोल्डर मेजरमेंट है 7.5 इंचेस। तो 7.5 इंचेस में फ्रेंड्स माइनस 1.5 इंच करके 6 इंचेस पर मार्क कर लेंगे और 3 इंचेस होगा नेक के लिए और 3 इंचेस होगा शोल्डर के लिए। फिर थोड़ा नीचे रख के हम उसी 6 इंचेस पे मार्क कर लेंगे ताकि हमारी मार्किंग लाइन सीधी रहे। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, जो कस्टमर्स हमारे छोटे शोल्डर्स वाले पहनना पसंद करते हैं उनके लिए हम यहाँ पर सिर्फ 5.5 इंचेस मेजरमेंट रख सकते हैं। तो आर्म होल की मार्किंग के लिए सबसे पहले हमें चेस्ट मेजरमेंट देखना होगा। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट राउंड रहेगा 32 इंचेस प्लस लूजिंग के लिए 4 इंचेस। इस हिसाब से 32 प्लस 4 इंचेस 36 इंचेस में रहेगा। तो 6.5 इंच हमारा आर्म होल मेजरमेंट का लेंथ रहेगा, 6.5 इंचेस 6.5 इंचेस। और अब हम आगे कमर का लेंथ का नाप लेंगे। वेस्ट मेजरमेंट 13.5 इंच और उसके बाद स्लिट ओपनिंग की मार्किंग करेंगे। जहाँ तक हम स्लिट ओपनिंग करते हैं, स्लिट ओपनिंग का मार्क लगाते हैं, उसके लिए हमें वेस्ट लेंथ प्लस 7 इंचेस मार्क करना होता है। वेस्ट लेंथ प्लस 7 इंचेस लेने से कुर्ती की फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पर हम 20.5 इंचेस पर मार्क लगाएंगे।
तो अब वही सेम मार्किंग्स हम थोड़ी दूरी में भी लगा लेंगे ताकि हमारे मार्किंग लाइंस ऊपर नीचे ना हो। तो अब हम स्केल की मदद से लाइंस बना लेंगे। जैसे जैसे हमारी मेजरमेंट्स मार्किंग रहेंगी वैसी वैसी हमें लाइन लगानी है। इस तरह से सीधी सीधी लाइन लगाने के बाद अब हम लेंगे चेस्ट मेजरमेंट। तो चेस्ट मेजरमेंट की मार्किंग के लिए 36 का 1/4 9 इंचेस तो 9 इंचेस प्लस स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा 2 इंचेस रखेंगे। अंदर की तरफ स्टिचिंग्स के लिए एक्स्ट्रा क्लॉथ जो हम रखते हैं उसके लिए 2 इंचेस एक्स्ट्रा। तो वेस्ट मेजरमेंट है हमारा यहाँ पर 27 इंचेस प्लस लूजिंग के लिए 4 इंचेस तो टोटल हो गया 31 इंचेस। और 2 इंचेस स्टिचेस के लिए अब यहाँ पर हम सीट मेजरमेंट लेंगे यानी सीट राउंड हमारा है 38 इंचेस तो इसका हो गया 1/4 9.5 प्लस 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे और 1 इंच पर भी हम मार्क लगाएंगे यानी 2 इंच जो हम रखते हैं इसमें से 1 इंच पर भी हमें मार्क लगाना होगा। अब हम इसकी सीधी सीधी लाइन बना लेंगे मार्क टू मार्क इस तरह से शेप देंगे। तो अब हम बॉटम का जो 1/4 सीट प्लस 3 इंचेस 12.5 इंचेस पर जो मार्क किया हुआ था वहाँ से जो 1 इंच हमने सीट मेजरमेंट के 2 इंचेस में से 1 इंच जो हमने माइनस किया हुआ है वहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो ये हमने मार्क लगा लिया है सीट के मेजरमेंट से बॉटम तक। अब हम इसकी पूरी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम सीट के जो सीट राउंड के जो हमने 2 इंचेस एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए रखने होते हैं उसमें से 1 इंच माइनस करके उस निशान से बॉटम के निशान तक मार्क लगाएंगे और इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमें 1 इंच माइनस करने से हमारी स्लिटिंग की जो फिनिशिंग होती है वो बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ आती है। फ्रेंड्स इस तरह से हमें 1 इंच माइनस करके मार्क करना होता है। जो अंदर की 1 इंच हमने मार्क की हुई है वहाँ पर हमें स्टिचेस का एंड करना होगा यहाँ पर जहाँ मैंने आरो मार्क लगाकर दिखाया है। इस तरह से हम पूरी कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पर आर्म होल का जो शेप है हमें बैक साइड के लिए 1.5 इंच और फ्रंट के लिए 3/4 इंचेस मार्क करके शेप देना होगा और उसके बाद पूरी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हम पूरी कटिंग करने के बाद फ्रंट वाला जो पार्ट है हमारा उसका शेप निकाल लेंगे। तो हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से फ्रंट वाले लाइनिंग क्लॉथ पर हमने मार्किंग की हुई है इसी तरह से वही सेम मार्किंग्स बैक वाले पार्ट पर भी निशान लगा के लाइंस बना लेंगे ताकि हमें स्टिचेस डालते वक्त आसानी हो। इस तरह से हम पहले से ही मार्क करके रखने से दोबारा मार्किंग करने की नौबत नहीं आएगी और सीने में भी आसानी रहेगी और शेप भी परफेक्ट आ जाएगा। इस तरह से जहाँ पर हम निशान लगाते हैं लाइंस बनाने से पहले उसी तरह से बैक वाले लाइनिंग पर भी निशान लगा लेंगे। फिर अब इसके स्केल की मदद से लाइंस बना लेंगे इस तरह से, ये इस तरह वेस्ट लाइन से सीट मेजरमेंट तक, तो सिलते वक्त हमें आसानी रहेगी। ये हुआ हमारा बैक और ये हुआ हमारा फ्रंट लाइनिंग्स। और ये हुआ कुर्ती का बैक फैब्रिक और ये हो गया हमारा कुर्ती का डिज़ाइन वाला फ्रंट पार्ट। तो अब हम इस तरह से कुर्ती के फ्रंट वाले फैब्रिक पर लाइनिंग का जो हमने आर्म होल का शेप दिया हुआ है लाइनिंग फैब्रिक पर वो डालकर फ्रंट वाले कुर्ती फैब्रिक पर भी शेप वाली कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हमें कट करना होगा। तो ये हो गई कुर्ती की कंप्लीट कटिंग विथ लाइनिंग। तो सब्सक्राइब करें परफेक्ट टेलरिंग स्कूल आगे और वीडियोस देखने के लिए और टेलरिंग सीखने के लिए। थैंक यू।